हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 111 एंजल पे आपका बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार है। गाइज, जिन्होंने मुझे लाइक किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद गाइज। यहाँ पर और आज की रीडिंग है कि आपके पार्टनर आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं, आपको प्यार भरा संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पे आपकी दिल की बातें हो रही हैं। यहाँ पे टू ऑप्शन रखे हैं, एक ऑरेंज रंग का ऑप्शन, एक वाइट रंग का ऑप्शन। यहाँ आप दोनों में से कोई एक चुन लीजिए, फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके जो मेल या फीमेल पार्टनर हैं या दोनों पार्टनर एक आपको क्या प्यार भरा संदेश देना चाहते हैं, आपको क्या कहना चाहते हैं गाइज। जिन्होंने फर्स्ट ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही स्टक अवस्था में हैं, बहुत ही ज़्यादा विचार कर रहे हैं कि मैं अपने पार्टनर को चुनूं कि नहीं चुनूं, मैं क्या कहूं, हाँ कहूं कि ना कहूं। हो सकता है आपका कोई लवर मिला हो, जीवन साथी मिलने वाला हो, जिसको लेकर आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हो, दुखी हो, पीड़ा में हो, दर्द में हो। इस लटके हुए आदमी की तरह आप अधर में लटके हुए हैं, ना तो आप जी पा रहे हैं, ना तो आप मर पा रहे हैं, और आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा स्टक स्थिति में हैं, बहुत ही ज़्यादा दुविधा में हैं, परेशान में हैं कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। यानी आपकी लव लाइफ जो है बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ित है, परेशान है। और आप ये जो है मेल को ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है कार्ड, यानी जो मेल पर्सन है, जो आपके मेल पार्टनर हैं, अपने जीवन साथी को लेकर या पार्टनर को लेकर या अपने लवर को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है, तकलीफ़ में है। यानी उनको अपनी सिचुएशन से बाहर निकलने की स्थिति नज़र नहीं आ रही है। लेकिन गाइज, यहाँ पे एडवाइस दिया जा रहा है कि आप जो भी समस्याएं हैं, जो भी एक दूसरे के रिलेशन में जो भी तकलीफें आ रही हैं, एक दूसरे से बात करके उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर सकते हैं। यहाँ पे यही मैसेज है आपके पार्टनर का। देखते हैं सेकेंड कार्ड क्या आपके लिए कह रहा है। आने वाला जो फ्यूचर रहेगा दोनों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पी वाला रहेगा, खुशियों वाला रहेगा। आपको गॉड का, ईश्वर का, एंजल का भी साथ प्राप्त है और आपको यूनिवर्स जो है हर पल हर घड़ी दोनों डिवाइन जो है आप दोनों को मदद कर रही है, एक दूसरे से मिलाने के लिए, एक दूसरे के पास लाने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि थोड़ा एफर्ट जो है आप लोग भी डालिए, थोड़ा सा आप दोनों मिलकर अगर एफर्ट डालते हैं तो आप दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपके पार्टनर का मैसेज है गाइस। यहाँ पे मेल पर्सन का ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस निकल कर आ रहा है कि आपको संदेश देना चाहते हैं कि हम दोनों के बीच कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, रिलेशन में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, हम दोनों परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, दर्द में हैं, पीड़ा में हैं अपने लव लाइफ को लेकर। तो यहाँ पे भी गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप इतने दर्द, पीड़ा और परेशानी में मत रहिए, कि आने वाले फ्यूचर में दोनों बैठ के समझ के बात कीजिए, अपने बातों को शेयर कीजिए, जो गलतियाँ उनको माफ़ करके आगे बढ़िए। तो आपके साथ एंजल भी है, यूनिवर्स भी है और गॉड भी आपके साथ है, और आपका लाइफ जो है लव लाइफ है आने वाले समय में बहुत बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से भरा रहेगा। यही आपके पार्टनर का मैसेज और कार्ड के द्वारा मैसेज है। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं एवरीवन। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चुना था, देखते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है। आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं गाइस कि जो हम लोग का कार्मिक लेसन है, यानी आप दोनों जो है लवर जो है, प्रेमी है, जीवन साथी है, पार्टनर हैं, वो आप एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा प्यार से बंधे हुए हैं, स्नेह से बंधे हुए हैं। लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हैं आप दोनों की, आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, बहुत कुछ दूरियाँ आ गई हैं आपके बीच में गाइस। प्यार तो है, स्नेह तो है, लेकिन आपका जो फॉर्चून है वो नहीं बदल रहा है। आपका समय जो है उतना अच्छा नहीं चल रहा है फिलहाल प्रेजेंट में, जिसको लेकर आप बहुत बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं। यहाँ तक आप में दूरियाँ इतनी ज़्यादा बढ़ गई होंगी गाइस कि आपको बड़ों का सहारा लेना पड़ता होगा या साइकेट्रिस्ट का सहारा लेना पड़ता होगा। यानी दोनों में ऐसी दूरियाँ आ गई हैं जिससे आप बीच में आपको किसी बड़े को लाना ज़रूरी है या ज़रूरी कर
यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को समझने के लिए, एक दूसरे को माफ़ करने के लिए, एक दूसरे के पास आने के लिए बहुत से जतन कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, फिर भी आपके रिलेशन में दूरियाँ ही बढ़ी हैं। आपका फॉर्चून जो है वो बहुत कटा कटा है, लेकिन यहाँ पे ये भी गाइडेंस है आपके पार्टनर के द्वारा, अगर हम दोनों चाहेंगे तो एक दूसरे के पास आ सकते हैं, एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा तुमको भी मदद करनी पड़ेगी, थोड़ा मुझे भी मदद करनी पड़ेगी, तब जाके हमारा जो लव रिलेशन है, जो हमारा साथ है, जो हमारा प्यार है, वो अधिक बढ़ सकता है। और यहाँ पे आपके दोनों को डिवाइन का भी ब्लेस प्राप्त है गाइज यहाँ पे, क्योंकि फॉर्चून का कार्ड आ गया और आपका प्यार भरा समय बहुत तेज़ी से बदलने वाला है, वो भी पॉजिटिव रूप में आपका जीवन बदलने वाला है। हो सकता है जो दूरियाँ वो कम हो जाए, जो प्यार कम था वो भी अच्छे से हो जाए, या हो सकता है कि आपको किसी ऐसे बड़ों का सलाह मिले जिससे कि आपकी पूरी लाइफ ही एकदम बदल जाए, आपका फॉर्चून ही बदल जाए और बहुत बहुत एक दूसरे के लिए आप लकी होने लगे और एक दूसरे के साथ अपना लव लाइफ और भी अधिक समय टाइम स्पेंड करें, एक दूसरे के साथ समय बिताएं, एक दूसरे के बहुत बहुत ज़्यादा करीब आ जाएं। यही मैसेज है आपके लिए सेकंड ऑप्शन, जिन्होंने यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है आप अपने सिचुएशन को लेकर, अपने पार्टनर को लेकर, चाहे जीवन साथी हो चाहे लवर हो, आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, दर्द में, पीड़ा में हैं। यहाँ पे देख ली एक लड़की बैठी हुई है, फीमेल पर्सन है, बहुत दुखी बैठी हुई हैं और ऊपर से ईश्वर उनको एक कप ऑफर कर रहे हैं, यानी तुम इतनी उदास क्यों, चिंता क्यों, जब तुम्हारे साथ यूनिवर्स है, तुम्हारा पार्टनर है, तुम्हारा घर परिवार तुम्हारे साथ है, तो तुम इतनी दुखी परेशान क्यों हो। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, डिवाइन आपसे क्वेश्चन पूछ रही है कि आप इतना परेशान दुखी क्यों हैं, आप जो किए हैं तो आपका कार्मिक लेसन था, वो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, झेलना ही पड़ेगा। अब तुमको जब अच्छा समय लाना है अपने लिए, प्यार भरा समय लाना है, अपने पार्टनर को करीब लाना है, तो थोड़ा सा मेहनत करो, थोड़ा सा अपने तरफ से भी पार्टिसिपेशन करो, दोनों एक दूसरे के साथ बातें करो, एक दूसरे की बातों को सुनो, उनको महसूस करो, उनको एक दूसरे के साथ बैठकर मिलकर कोई भी बात साझा करोगे तभी किसी भी समस्या का हल तुमको मिलेगा। और चिंता रहने से, एकाग्र बैठने से और चुप रहने से किसी भी समस्या का हल तुमको नहीं मिलने वाला है। अगर तुम दोनों मिलके बैठोगे तभी जाके तुम्हारा लाइफ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा, सफल होगा। और ये भी दिया जा रहा है कि तुम्हारे मेहनत का फल जरूर मिलेगा। यहाँ पे यूनिवर्स भी तुमको हेल्प करेगा दोनों को मिलाने का, दोनों को इकट्ठा करने का और रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग बनाने के लिए। यही मैसेज है गाइज आपको। अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको टैरो रीडिंग करानी है या हस्तरेखा दिखाना है तो आप मेरे टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं गाइज, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू एवरीवन।